हेलो गाइस, वेलकम टू देशमेड न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल डीसी हॉलीवुड से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। देन उसी के साथ बात करेंगे आज के पूरे दिन के अपडेट के बारे में, जो कि काफी ज्यादा खास इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सोचा कि मैंने वीडियो अभी बना के अपलोड करूं। देन उसी के साथ आपके लिए मैं एक खास चीज लेके आया हूं, जिसका नाम है आयरन मैन का आर्क रिएक्टर। अगर आपको ये खरीदना, अगर आप मार्वल ट्रू फैंस हो आयरन मैन के, तो आप इसे परचेस कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते दिस वीडियो। तो गाइस, सबसे पहला अपडेट है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का। तो ये मूवी रिलीज हो रही है 13 मार्च 2020 को, और इस मूवी का पहला प्रोमो लॉन्च हो चुका है, जो कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो। देन उसी के साथ कैप्टन मार्वल का एवेंजर एंडगेम का एक बिहाइंड द सीन आया है, जिसमें कि वो वॉर्मी प्लेनेट पे है, जहां पर सोल स्टोन मिला था। तो सिंपल फंडा ये है कि वो इसलिए शूट कर रही है क्योंकि हर एक कैरेक्टर को अलग अलग ले जाके शूट करा गया, जिससे कि मार्वल की और एवेंजर एंड गेम की स्टोरी लीक ना हो। देन एमसीयू का नेवलिन कंफर्म हो चुका है, जो कि गार्डन द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में देखने को मिल सकता है हमें, पॉसिबली जिसका नाम है फिंग फॉन्ग। तो काफी अच्छा कैरेक्टर है। देन न्यू गॉड्स, जो कि डीसी की अपकमिंग मूवी है, उसकी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है, जो कि एवान ने खुद कंफर्म करी अपने ट्विटर अकाउंट पर। देन रॉबर्ट पैटिसन और निकोलस, ये आज मॉर्निंग में गए हैं बैटमैन के रोल के लिए, और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है और कौन बैटमैन के लिए सेलेक्ट होता है फाइनली। देन उसी के साथ अगला अपडेट है काफी कमाल का, एवेंजर एंड गेम वर्सेस अवतार। तो इन दोनों में कच्चा खासा कंपटीशन चल रहा है, और 94 मिलियन का सिर्फ अंतर रह गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि एवेंजर एंड गेम पास हो जाए, अवतार को छोड़ दे बिल्कुल पीछे। देन उसी के साथ स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के कुछ बिहाइंड द सीन, जिसमें कि हमें देखने को मिले हैं निक फ्यूरी और मारिया हल, और देन उसी के साथ कमेलियन। पॉसिबल तो नहीं है कि कमेलियन का रोल करेगा, क्योंकि अभी हाल ही में रूमर ही आया, और देन पीटर पार्कर इनके साथ खड़े हुए हैं। तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन कर रही है ये इमेज। देन उसी के साथ अगला डेट है काफी कमाल का ब्लैक विडो मूवी का। तो फाइनली ब्लैक विडो की मूवी के और कुछ नए बिहाइंड द सीन सेट फुटेज देखने को मिले हैं, जिसमें कि ब्लैक विडो ब्लैक जैकेट ब्लैक जींस पहनकर पानी के अंदर आ रही है, और वो एक स्टीमर पे बैठ के आई है। तो 100% काफी एक्शन वाला सीन होने वाला है ये, तो याद रखना इस सीन को। और देन उम्मीद करते हैं कि इस मूवी की जल्दी से हमें और फुटेज देखने को मिले, और तैयार रहिए, सिर्फ 50 दिन रह गए हैं मार्वल फ्यूचर अनाउंस होने में। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखते हैं हमें और क्या अपडेट पता चलते हैं। देन उसी के साथ अगला अपडेट है काफी कमाल का क्रिस हेम्सवर्थ की तरफ से। तो क्रिस हेम्सवर्थ ने रिवील्ड करा अभी हाल ही में कि वो जल्दी से मैन इन ब्लैक के प्रमोशन के लिए अपने बच्चों को लेके हिंदुस्तान आ सकते हैं, यानी कि इंडिया घूमने के लिए पॉसिबिलिटी। देन अगला अपडेट है काफी कमाल का राजेश खत्तर की तरफ से, जो कि आयरन मैन की आवाज देते थे, और वो डार्क फोनिक्स में आवाज देंगे मैग्नेटो की, जो कि एकदम ऑफिशियल कंफर्म है, उन्होंने खुद अपने पेज से कंफर्म करी। देन नए टीवी स्पॉट में पता चला कि स्पाइडरमैन ने अपना सूट चेंज कर लिया है, यानी कि मूवी में हमें और भी काफी ज्यादा सरप्राइज दिखने वाले हैं। तो टोटल सब कुछ VFX का कमाल है। देन ओलिविया, जो कि एक डायरेक्टर है, उनका कंफर्म हो सकता है कि वो शायद आगे इन फ्यूचर में मार्वल कोई मूवी अनाउंस करें या कोई डायरेक्ट करें। तो देखते हैं कि क्या अपडेट आता है इन फ्यूचर। देन उसी के साथ टोटल फिल्म मैगजीन ने अभी हाल ही में काफी सारी इमेजेस लॉन्च करी, जिसमें कि पीटर पार्कर और नेट की काफी अच्छी इमेजेस लॉन्च करी। तो आप चाहो तो इसे देख सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर डाला हुआ है। देन दोबारा से एक और बैड न्यूज है आप लोगों के लिए कि न्यू म्यूटेंट्स दोबारा से रीशूट पे है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, काफी लोग कह रहे हैं कि इसे रिलीज ना करें तो बेटर ही है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देन क्रिस हेम्सवर्थ ने अभी हाल ही में एक और चीज रिवील करी, वो चाहते हैं इन फ्यूचर प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करना। देन उन्होंने एक चीज भी रिवील करी कि भले मुझे डांस करना नहीं आता, क्योंकि बॉलीवुड में डांस बहुत इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा और जल्दी से मैं शायद प्रियंका चोपड़ा के साथ काम कर लूँ। देन एक और बात गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए, रॉबर्ट फाइनली कंफर्म हो चुके बैटमैन मूवी के लिए, क्योंकि मैं बता रहा था मॉर्निंग का अपडेट था, पर आज इवनिंग का अपडेट है कि फाइनली जी बैटमैन के लिए कंफर्म हो चुके हैं। अब आपको डीसी में रॉबर्ट पैटिसन देखने को मिलेंगे। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे पेज को लाइक करें। रियली में आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखे, या तो उस पर लोकी के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।